नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई राजेश सिंह। तो चिड़चिड़ाहट यानी बेइज्जती, इंसल्ट, कई रूपों में आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। चिड़चिड़ाहट कई बार ऐसी बातों से भी हो जाती है जो रियल है, और कई बार ऐसी भी जो फेक है, झूठ है। डिपेंड करता है वो कौन से लोग बोल रहे हैं। कई लोगों का मोटिव सच में आपको दुख पहुंचाना ही होता है, और कई लोगों का मोटिव सिर्फ मजाक मजाक में कुछ ऐसा निकल जाता है, लेकिन उनका मोटिव आपको दुख पहुंचाना नहीं होता, वो सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं। मोस्टली जो भी पीपल होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उन्हीं का मोटिव होता है आपकी बेइज्जती करना, आपकी इंसल्ट करना, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करना, आपको आगे ना बढ़ने देना। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो कौन से लोग होते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज बात करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करके आप उस चीज़ से, उस चिड़चिड़ाहट से बाहर निकल सकते हैं, या आपको क्या करना चाहिए जब भी आप चिड़चिड़े हो जाए, या जब भी कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो करे क्या। इस जगह आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो जब कोई आपको चिढ़ा रहा है, या आप स्कूल में हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, आप स्कूल में हो, स्कूल में क्या होता है, सबके साथ होता है, घेरा बना के जो भी क्लास के बच्चे हैं बैठ जाते हैं, और फिर मजाक मजाक में एक को उठा लिया, उसी का मजाक बनाते रहते हैं, यानी उसके साथ मजाक करते रहते हैं, उसकी बातें बनाई, कुछ झूठ मूठी बनाई, उसको चिढ़ा देते रहते हैं। तो उस टाइम और सब तो हंस रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को चिढ़ा रहे हैं उसकी सिचुएशन समझने योग्य है, यानी उसकी सिचुएशन बहुत बुरी हो रही होती है, वो कुछ ना बोल सकता, सिर्फ हंस रहा है, वो भी ऊपर के मन से। तो उस जगह करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, उस जगह कई चीज़ें कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो सच में काम आएगी, एक बार लगा के देखो, उस सिचुएशन पे रख के देखो। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है शांति, काम, यानी CALM, काम। काम यानी शांति। शांति से सबसे पहले सुनो, अगर वहाँ पे मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर आपके पास उससे बड़ी बात है तो वहां पे आप जाके बोल सकते हो, या शांति से पहले सुनो, लंबी सांस लो, सोचो, समझो, फिर आप अपना रिस्पांस दे सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, ना कि यहाँ पे गुस्सा करके। गुस्सा वहां पे अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज वो आप कर सकते हो वो है एक्सप्रेस हाउ यू एग्जैक्टली फील, यानी कि जो भी आपके मन में आ रहा है, अगर आपको ज्यादा ही बुरा लग रहा है वो, या कुछ ज्यादा ही बोल रहा है आपके बारे में, जाके आप डायरेक्टली मुंह पे बोल दो, देख भाई तूने मुझे ऐसा बोला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ें आप हर सिचुएशन में कर सकते हो, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि इन चीज़ों में से आप कौन सी चूज करते हो। तीसरी चीज़ है वो आप यूज कर सकते हो, वो है इग्नोर, यानी कि चल हट, अपने मन में बोल दो, बाहर बोलोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अपने मन में ये चीज़ बोल दो कि चल हट, तो तीसरी बार यही है, तीसरी बार अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, यानी आपको उसको भाव ही नहीं दिया, कोई आपको चिढ़ा रहा है और आपने उसको बिना भाव दिए जाने दिया, इग्नोर कर दिया, तो वो पहली बात तो वो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसकी बातों से, तो आपको चिढ़ाने आएगा ही। और चौथी चीज जो आप कर सकते हो वो है यूज ह्यूमर। ह्यूमर होता है भगवान की देन। कई लोगों के पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, कई लोगों के पास थोड़ा सा कम होता है, तो जो कम है उनके पास भी है तो सही, सभी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होता ही है लगभग, और जिसके पास नहीं है वो सीख लेता है कहीं ना कहीं से। तो सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कर सकते हो। अगर कोई बंदा आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है तो चलो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा करके आपके ऊपर कुछ बुरा कमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको हंसी मजाक में ही उसी के ऊपर डाल सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, लेकिन किसी से चिड़चिड़े मत बनो, या किसी से मत चिढ़ो। चिढ़ना, अगर कोई आपको चिढ़ा रहे हैं और आप ज्यादा चिढ़ते हो, वो भी विदाउट एक्शन, तो वहां पे आपको ज्यादा ही चिढ़ाएगा। एक चीज और, कोई भी जब भी किसी की भी बहन बेटी को छेड़े या कुछ ऐसा कहे जो उसको बुरा लग रहा है, तो वहां पे चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे छेड़खानी कर रहा है तो वहां पे जाओ, अपने घर वालों से बात करो, या पुलिस में रिपोर्ट कराओ। ऐसी जगह असावधानी बरतना बहुत ही हानिकारक है, यानी ऐसी जगह असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, और अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी सावधानी अपने हाथ में होती है। सो ये था आज का वीडियो, अपना ध्यान रखो, चिड़चिड़े मत बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास सफाई रखो, और अपने आप को डेवलप करते जाओ, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।